नमस्कार, गुरजीत वालियापलिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणेश चतुर्थी। जी हां, गणेश चतुर्थी की आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। गोल्डन फ्लावर परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी पलिया कला से गणेश चतुर्थी विसर्जन के लिए जाते हुए भक्तगण गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ आरती की, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरती लेते हुए गणेश चतुर्थी में आज गणेश जी को विधि विधान के साथ, इस संकल्प के साथ कि अगले साल आप फिर आना गणेश जी का विसर्जन करने के लिए शारदा तट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां, जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो भी देखी होंगी और चंदेल स्टूडियो पलिया की तरफ से बनाई गई ड्रोन द्वारा वीडियो वो भी आपने देखी होगी, जो पलिया से शारदा तट तक, शारदा नदी तक, जहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया को विदाई दी जाएगी, विसर्जन किया जाएगा कि अगले साल गणपति फिर आना, इस संकल्प के साथ। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियो, गणपति बप्पा मोरिया आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में भक्तगण, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रहे थे और ये 9 दिन से इसी तरह गणपति स्थापना से लेकर विसर्जन तक भक्तगण बने रहे और इसी उत्साह के साथ गणपति उत्सव, गणपति गणेश चतुर्थी का आनंद, आत्मा आनंदित होती रही। तो आप देख रहे हैं पलिया से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी पलिया उत्तर प्रदेश, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ मंदिर से अब निकले हैं भक्तगण, हजारों की संख्या में भक्तगण आप देख रहे हैं। उत्साह, प्रेम, भक्ति में लीन भक्तगण, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग अपनी हाजिरी गणेश उत्सव में लगा रहे हैं। इस समय हम पलिया के शेर सिंह चौराहा पहुंच चुके हैं। शेर सिंह चौराहा पे ट्राली ट्रैक्टर द्वारा गणपति बप्पा मोरिया को शारदा तट तक लेकर जाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पुलिस प्रशासन के सहयोग, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, कहीं भी कोई तकलीफ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस बल भी साथ में रहा। इस समय हम शेर सिंह चौराहे पे पहुंच चुके हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
आप देख रहे हैं बलिया कला गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति स्थापना और आज विसर्जन। जी गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी आ चुके हैं अपनी सवारी के लिए। अब गणेश जी को स्थापित किया गया है ट्राली ट्रैक्टर पर। यहाँ से हम शारदा तट की ओर प्रस्थान करेंगे। शहर में होते हुए ये भीरा रोड शारदा नदी तक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पलिया कला से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल, गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल और चंदेल स्टूडियो पलिया, इनका विशेष सहयोग रहा। जैसे आपने पूरी वीडियो देखी होगी ड्रोन द्वारा इनकी सेवा रही, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं स्काउट गाइड के कैडेट पूरी सुरक्षा के लिए, कोई उसके ट्रैक्टर ट्राली के आगे ना आए उसके लिए सुरक्षा के लिए मुस्तैद। बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी ड्यूटी निभाई। तो आप देख रहे हैं पलिया कला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल और चंदेल स्टूडियो पलिया शेर सिंह चौराहे से गणेश जी गणेश उत्सव को मनाते हुए भक्तगण। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, भक्तगणों का उत्साह देखने लायक था। हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष जयकारों के उद्घोष के साथ गणपति जी को विदाई दे रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही उत्साह के साथ भक्तिपूर्ण माहौल हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लग रहे थे। भीड़ आप देख रहे हैं, पूरी भीड़ हजारों की संख्या में भक्तगण। तो जुड़े रहें। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ चलते हुए शेर सिंह चौराहे से इस समय मालगोदाम रोड पर पहुंच चुके हैं। मालगोदाम रोड स्टेशन रोड आगे से आगे भक्त जुड़ते हुए हजारों की संख्या
हर कोई जुड़ता चला जा रहा है, पूरे उत्साह भक्तिपूर्ण माहौल में गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों में उत्साह रहा। रंग बिरंगे रंगों से उत्साह को जाहिर करते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हुए गुलाल उड़ता रहा, गणेश जी की सवारी चलती रही। तो आप देख रहे हैं गुरजीत वालिया पलिया चैनल से, पलिया कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, मुस्तैद पुलिस बल पैदल बाइक पे आगे आगे गाड़ी, ड्रोन द्वारा चंदेल स्टूडियो पलिया कला जिन्होंने अपनी सेवा की। फुल वीडियो वो पहले यूट्यूब पे पड़ चुकी है, चंदेल स्टूडियो, और चंदेल स्टूडियो के फोटोग्राफर उनके स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वीडियो कैप्चर की। ब्लू हॉर्स की बस यहाँ से 4 बसें निकली हैं, जो ब्लू हॉर्स की बस पलिया पिक्चर हॉल चौराहे से आगे सादा तट तक भक्तगणों को लेकर जाएगी। बहुत ही उत्तम सेवा। ब्लू हॉर्स बस की भक्तगण बस स्टैंड की तरफ जाते हुए, ब्लू हॉर्स के बस स्टैंड की तरफ जहाँ पे बसें अंदर भी लगी थी, गणपति बप्पा की सवारी इस समय पिक्चर हॉल चढ़ा, नाम पिक्चर हॉल चढ़ा जब तक है तब तक छत रहेगा। वैसे पिक्चर हॉल अब नहीं है, पिक्चर हॉल बंद हो चुका है। ये एक पलिया के इतिहास में कमल टाकीज जो है पिक्चर हॉल वो भी एक इतिहास में ही रहेगा। फिलहाल इस समय हम लोग ब्लू हॉर्स के सामने जहाँ से भक्तगण बस द्वारा शारदा तट तक पहुँचेंगे, जो अपने निजी वाहन से हैं वो निजी वाहन से इस समय ब्लू हॉर्स बस स्टैंड के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, आनंद गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ गणेश जी की सवारी आगे बढ़ती हुई बहुत ही सुंदर नज़ारा। गणपति उत्सव का, गणपति चतुर्थी पे 9 दिन गणपति का पलिया में आना, और आज अगले वर्ष फिर आने के संकल्प के साथ गणपति बप्पा मोरिया की विदाई। आप देख रहे हैं गुरजीत वालिया पलिया चैनल, पलिया कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रोन, जी हाँ, चंदेल स्टूडियो पलिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम, बेशक गुरुद्वारे के हों, बेशक मंदिर के, पलिया कोई भी है, इनका विशेष सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमको सपोर्ट करने के लिए। सवारी आगे बढ़ चुकी है, बस में भक्तगण सब बैठ चुके हैं। अब इस समय हम शारदा तट पे आ चुके हैं, ये देख रहे हैं शारदा तट का नज़ारा, महिलाएं, बच्चे। शारदा तट पे विसर्जन के लिए प्रशासन ने भी पानी में थोड़ा रोक लगा रखी थी। इस समय आप देख रहे हैं शारदा तट, शारदा नदी का नज़ारा।
गणपति बप्पा की सवारी आ रही है, तब तक एक सेल्फी हो जाए। गणपति बप्पा की सवारी आ चुकी है, निकाल ले। ब्लू हॉर्स बस द्वारा भक्तगण पहले बसों द्वारा अपने निजी वाहन द्वारा ई रिक्शे द्वारा पहुंच चुके थे सादा तट पे। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ सादा तट पे पहुंच गए हैं भक्तगण। सुंदर नज़ारा सारदा तट का भी, अलौकिक सुंदर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरिया इसी तरह उस सब में सब लोग अपना सहयोग करें और ईश्वर की भक्ति में लीन हो, ईश्वर का आशीर्वाद लें। जय हिंद, जय भारत। गणपति बप्पा मोरिया। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।